शिवपुरी संवाददाता पवन भार्गव द्वारा पोहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से विकास के मुद्दों को लेकर जब चर्चा की गई तो ग्रामवासियों ने कहा कि हमें ना तो लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है और सिलेंडर भी 1200 रुपये में मिल रहा है, खाद की बोरी 1400 रुपये में मिल रही है। भाजपा द्वारा हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा से संवाददाता रश्मि ने पोहरी विधानसभा के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार। आज हम आए हैं पौरी विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस श्री कैलाश कुशवाहा जी के यहाँ पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप जैसे कि आपको प्रत्याशी के रूप में चयनित किया जाता है, तो आप किन किन मुद्दों पे कार्य करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और पौरी विधानसभा में इतने मुद्दे हैं कि मुख्य मुद्दा सर्कुलर डैम और बेरोजगारी है। और मैंने माननीय कमलनाथ जी से मांग भी की है, सरकार बनते ही ये सीपरी जिले में बड़ा उद्योग भी कहीं ना कहीं जगह पौरी विधानसभा में बड़ा उद्योग खोला जाएगा। इसके अलावा मूलभूत समस्याएं पानी, लाइट, रोड और जो भ्रष्टाचार विभागों में चल रहा है उसको खत्म करना है। और जनता की कोई भी जो भी समस्या है उसको तुरंत खत्म करना। और जो हमारे क्षेत्र में जनता बार बार कहीं ना कहीं किसानों से संबंधित खाद बीज के लिए परेशान होती है, वो जो मूलभूत समस्या है उन पर मेरा विशेष ध्यान देना है। जनता को बस कोई भी काम हो बेचारी कुछ नहीं मांगती, बस उसकी जो ऑफिशियल परेशानी होती है वो सॉल्व होना चाहिए, वो मेरा मेन मुद्दा। किसानों की खास मांग है सरकुला डैम, उसके बाद 2 बार उद्घाटन हो चुका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय नेता 2 बार 4 बार फर्जी उद्घाटन कर गए हैं, धरातल कोई काम नहीं। मेरी माननीय कमलनाथ जी बात हुई, सरकार बनते ही मेरा मुख्य, मैंने अभी बोला था आपने ध्यान नहीं दिया, मुख्य उद्देश्य सर्कुलर डैम बनवाना है। मेरे कार्यकाल में सर्कुलर में पूरा कंप्लीट करा के रहूंगा अगर मैं विधायक बनता हूँ। धन्यवाद। पौरी विधानसभा क्षेत्र के मच्छा देवरी गाँव में है, यहाँ की जनता से यहाँ के चुनाव का माहौल जानते हैं, ये जनता यहाँ पर उनका मूड क्या है और ये जनता क्या चाहती है। ये दादा जोरी के और चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या क्या माहौल है आपका? और सरकार की योजना चल रही है, आपको फायदा मिल रहा है क्या? तो आप तो बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है, आप कौन सरकार चाहते हो? आप कांग्रेस चाहते हो? पंजाब ही है, दूसरे को भाषण आप या गांव के सेक्रेटरी हो या निवासी हो, यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है, तो नेता ने यहाँ का क्या मानसिकता रखा है? यही तो ऑफिस के होते हुए इतना तो पता है कि क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं, लेकिन लेकिन मेरा बोलना इतना उचित नहीं है क्योंकि ना मैं यहाँ रहने वाला हूँ ना मुझे इन सरकार से मतलब। आप लोगों को मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है कि सरकार की योजना से लोग संतुष्ट हैं या दुष्ट हैं, क्या है? कहने का मतलब यही है कि मैं ज्यादातर बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जो माहौल है पंजाब आई बीजेपी का है, चाहते भाई ये ना एक इमेज का सरकार ने योजना चलाई है, किसानों के लिए चलाई है और माताओं बहनों के लिए लाड़ी बहना योजना चलाई है, तो इसका धरातल पर कुछ असर दिख रहा है? हाँ बोल तो रहा हूँ, ये लोग ना इसकी जो पॉलिसी है यहाँ पे जो पॉलिसी है, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए, बता रहा हूँ जो फील्ड में देखने को मिलता है ना, उसकी वजह से मन बहुत चाहते हैं कि चेंज हो जाए, बदलाव चाहते हैं।
दादा आप क्या चाहते हो? तो सुरक्षा चाहते हैं महाराज। आप सुरक्षा चाहते हो तो आपको क्या सुरक्षा में सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे रही, क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या क्या है? लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं है, आपको लाइट नहीं मिल रही भाई। आप क्या चाहते हो? आपको 1000 रुपए मिल रहा है कि लाइट मिल रही है? तो अब जो आगामी चुनाव आ रहा है तो आप क्या चाहती हो? यहाँ पर योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, इनको लाइट की समस्या है, लाड़ी बहना योजना का पैसा भी नहीं मिल रहा है। चलते अपन और भाइयों से पूछते हैं, भाई आपका कहाँ के निवासी है? तो आप ये चुनाव का माहौल है, आप वर्तमान जो सरकार है और वर्तमान विधायक है, मंत्री जी है, तो आप इनसे संतुष्ट है या नहीं? संतुष्ट है। संतुष्ट है आप आपके योजनाओं का फायदा मिल रहा है? आने वाले चुनाव में आप किसको सपोर्ट, बदलाव चाहते हो या अदर व्यक्ति को चुनाव करना चाहते हो या फिर प्रेजेंट सरकार? आप जी भाई जी आप क्या चाहते हो? आप बदलना चाहते हो, यानी कि वर्तमान विधायक मंत्री जी है उनसे संतुष्ट नहीं है? उनसे नहीं, मुख्यमंत्री संतुष्ट है, उनसे नहीं, मुख्यमंत्री संतुष्ट है। ऐसा क्या कारण है आप इतने रुष्ट हो? हमारे गांव में इन्हें इतना सा काम नहीं करा, इतना सा गड्ढा भरा हुआ है, हमारे गांव में बड़ा गाँव 4-5 हज़ार ही वोटेंगे अभी तक कोई काम नहीं। माचिस दे देंगे, उनका कहना है हमने विकास की गंगा बहाई है, कोई गंगा नल जल योजना चलाई है, कुछ भी नहीं है मौके पे, और किसानों को हम मैंने उसका पैसे भी डाल रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इतनी सरकार से दुष्ट? नहीं, हमारे गांव में कोई रास्ता खराब है, लाइट नहीं है, पूरी रात से लाइट नहीं है, कुछ लाइट की समस्या, पानी की समस्या। यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, ऐसा जनता का कहना है, क्योंकि जो धरातल में योजना चल रही है उनका कोई असर नहीं दिख रहा, सरकार से दुष्ट है। आइए आप दादा से बात करें, दादा आप क्या चाहते हैं, आपको क्या समस्या है? सब फादे माते सब बन सकती है, कोई ये किया ना पड़े जो खाए और बना खाए, और अपन के लिए का ध्यान दे आ रहा है, यहाँ पे हम नहीं खा रहे और दूसरे वाले खा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चीज चाहते हैं, हमें देखो लाइट भी नहीं है, आप को नहीं है, आपको ऐसी सुविधा किससे आशा करते हैं? आप ऐसा कौन प्रश्न है जो आप विधानसभा चुनाव बीएसपी से प्रद्युम वर्मा जी है? हम तो भाई पंजा आचार्य पेड़ के भाई में चल रहे हैं, हमें कोई नहीं। आप पंजा चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, यानी पंजा और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।